गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 15th of December 2022, थर्सडे, वीकली एक्सपायरी इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आइए देखते हैं कि कैसे एक व्यू बिल्डअप कर सकते हैं। बिफोर दैट, इन दिस बिजनेस इफ यू आर गुड यू आर राइट 6 times out of 10, you are never going to be right 9 times out of 10. Peter Lynch, meaning the best traders are never right all the time. They make losses too. Focus on getting more trades right than wrong. You will be considered successful. Namaskar dosto, Bank Nifty abhi hai aapka 44,050. मॉर्निंग में ये ओपन हुआ आपका 43,968 पे, उसके बाद लो मारा आपका 43,927, उसके बाद ये आया है आपका 44,100 तक एंड करेंटली होवरिंग है। सो एक व्यू बनाने से पहले एक बार हल्का सा प्राइस एक्शंस को हम देख लें। प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर डेली देखेंगे बैंक निफ्टी स्पॉट का जो चार्ट है वो है, वहां पे प्राइस ऑलरेडी हायर है, हायर लो बना के काफी ऊपर आ चुका है फ्रॉम द स्विंग लो। स्विंग लो आपका था 37,500 और आरएसआई टर्म्स में अभी है ये 76.40। आवर्ली RSI अगर देखेंगे ये आपका 72 से 60 के तरफ आके ट्राइंग टू टेक सम। आप अगर देखोगे यहाँ पे एक आवर्ली वर्सेस 15 मिनट्स या आवर्ली वर्सेस 10 मिनट में एक ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड कैंडिडेट है। दैट बीइंग द केस, ये सेंटर बैंड में सपोर्ट लीजिए, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डालेंगे एंड इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दे देता है। इसको पहले हम 15 मिनट में ले लेते हैं। सो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ही क्लोज देगा उसके बाद ये ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड वाला सेटअप एक्टिवेट हो जाएगा एंड इन सच ए सिनेरियो आपका जो टारगेट हो सकता है दैट इज 44,150। सो इट्स अ स्मॉल टारगेट एज फार एज द बैंक निफ्टी इज कंसर्न्ड। बट यहाँ पे देखने वाला बात क्या है कि आपका प्रीवियस जो हाई था यहाँ पे 43,970 वहीं पे ओपन देके फिर ऊपर गया है। दैट बीइंग द केस, अब ये जो लेवल है 44,000 या 43,900 एक सपोर्ट लेवल है। सो ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस के लिए हम इसको 43,900 का ही ले लेते हैं एज अ टारगेट, फर्स्ट टारगेट। सेकेंड सपोर्ट जो हो सकता है अपना यहाँ पे ये आपका 43,800 ऊपर में फर्स्ट रेजिस्टेंस जो होगा आपका 44,150, तो टू बी प्रेसाइज इट शुड बी 44,200 इज द फर्स्ट। ये हो गया हमारा एज पर द प्राइस सेक्शन। अभी आते हैं हम ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट के ऊपर। ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी का 15 दिसंबर का एक्सपायरी देखेंगे तो एट द मनी दैट इज 44,000 का जो है वहां पे कॉल राइटर्स 58 लाख है एंड पुट राइटर्स 77 लाख है। सो इट इज सम सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा बायस टुवर्ड्स हायर साइड। एंड यहाँ पे देखने वाला बात ये है कि लोअर लेवल्स में ज्यादा कुछ पुट राइटर्स है नहीं। एक है आपका 43,900 में, वो भी 42 लैक्स का, देन 43,800 का 37 लैक्स का, उसके बाद दूर में 43,000 में है आपका 45 लैक्स का। सिमिलरली ऑन द हायर साइड भी 40 लाख 45 लैक्स का कॉल राइटर्स है लेकिन ह्यूज क्वांटिटी में कुछ है नहीं। इसका मेन रीजन क्या था, ओवरनाइट में एफओएमसी रेट डिसीजंस था, इस पीपल थोड़ा सा लाइट
कहे थे इन दिस ओवरनाइट में वो लोग अपने पोजीशन लाइट रख के गए थे. सो दैट बीइंग द केस, तो हल्का सा एक हम टू बी ऑन द सेफर साइड, हम एज ऑफ नाउ 43,800 का सपोर्ट ले लेते हैं एंड 44,200 का एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं. सो 43,800 एंड 44,200. 43,800 बोले तो आपका समवेयर हियर एंड 44,200 बोले तो ये वाला. इस रेंज में इसका कलर चेंज कर लेते हैं जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. ये हो गया आपका ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से इस रेंज के अंदर में रहना चाहिए. एंड ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड टाइम हम थोड़ा सा एक रेंज आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे. अभी आते हैं निफ्टी पे. निफ्टी में सडनली एक ड्रॉप देखा गया. मॉर्निंग में क्या हुआ, इट ओपन एट 18,617. उसके बाद हाई मारा आपका 18,650 एंड उसके बाद सडनली एक सेल ऑफ आ रहा है. ये 5 मिनट पे अच्छा खासा सेल ऑफ दिख रहा है. और यहाँ पे आवरली पे एक जो चीज दिख रहा है वो है आपका यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ रेंज. दैट बीइंग द केस, यहाँ पे हायर साइड पे थोड़ा सा प्राइस कैप हो सकता है. सो एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है कि इसका जो टॉप है आपका 18,700 आज के एक्सपायरी पर्सपेक्टिव. बॉटम अगर ढूंढने का कोशिश करेंगे तो पहला सपोर्ट हो सकता है ये वाला पिन बार का लो, दैट इज 18,500. सो रफली ये लग रहा है कि निफ्टी का जो रेंज होना चाहिए एज पर द प्राइस एक्शन वो है आपका 18,500 on the lower side and 18,700 on the higher side. That, अभी आते हैं हम open interest. Open interest का chart अगर हम देखेंगे तो कहाँ पे build-up हो रहा है ये? ये build-up हो रहा है at the money पे 18,600. अब ऊपर में देखो 650 and 700 में अच्छा खासा resistance है. And आपका 500 पे आपका 1.04 CR का put writers. That being the case, as per the open interest also 18,500 and 18,700 के बीच में ही रहना चाहिए. तो ये एक overview हो चुका है. तो gradually थोड़ा सा और भी price actions को देखेंगे and zero in करने का कोशिश करेंगे. तो अभी के लिए ये मैं recording बंद कर रहा हूँ. Again, जैसे जैसे time बढ़ता रहेगा मैं फिर दोबारा छोटा छोटा video clippings यहाँ पे बनाता रहूँगा. Currently the time is 10:35. Nifty at 18,587 to be precise. Nifty spot price. So, यहाँ पे अगर हम देखेंगे मॉर्निंग में ओपनिंग के बाद हल्का सा एक 650 तक जाने का प्रयास किया, वहां पे फेल हुआ, फिर सेल ऑफ आया. Sell off area and it is trying to take support at 18,560 as of now. Price action के हिसाब से एक अच्छा सा bottoming out type का है on 5 minute. 15 minute time frame में first green candle है और थोड़ा time रखना पड़ेगा, इसको observe करना पड़ेगा. ऐसा लग रहा है कि द रेंज इज इन बिटवीन. वो 650 वाला भी अभी थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे ये वाला एक अच्छा खासा सेल ऑफ पॉइंट है. इन द केस हम यहाँ पे टू बी प्रेसाइज आपका 675 होगा, लेकिन 675 पे स्ट्राइक नहीं मिलेगा. तो इधर 650 का हम देख सकते हैं, नहीं तो 700 का और कॉल साइड देख सकते हैं अपर साइड में. लोअर साइड में फिलहाल 500 ही रखते हैं. फिर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के बाद अगर ये ऊपर चला जाता है और लोअर टाइम फ्रेम पे हायर लो बना के देन हम इसको 550 तक ला सकते हैं. ये है आपका निफ्टी का
अभी ऑप्शन एनालिसिस चेन एनालिसिस करेंगे तो ये देखने को मिलेगा 600 में कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा हो गया, दैट इज 2.18। विसा भी आपका पुट लेटर भी इक्वली है, नंबर वाइज काफी ज्यादा है बट रेशियो वाइज इट्स 1:2। नंबर वाइज पुट लेटर 1.18 शेयर अगेंस्ट 2.18 शेयर। तो इमीडिएटली 18,600 इज एक्सपेक्टेड टू बी ए गुड रेजिस्टेंस लेवल। सो प्ले अराउंड करने के लिए हम 650 या 700 के कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं फॉर एक्सपायरी पर्पस, कीपिंग एक्सपायरी इन माइंड। अभी आते हैं बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट। ये आप देखोगे कि मॉर्निंग का जो लो है 927 एंड हाई है आपका 120, इसके बीच में ही अभी थोड़ा सा टाइम पास कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे हमको कोई डायरेक्शनल बायस है या नहीं है उसको ऑब्जर्व करना है, एज वेल एज इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे हमारा जो मेन ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि क्या रेंज में बाय 330 क्लोज कर सकते हैं। जो सुबह हमने देखा था 44,200 ऑन द हायर साइड एंड 43,800 ऑन द लोअर साइड। प्राइस सेक्शन में एज ऑफ नाउ कुछ क्लैरिटी है नहीं, जो नैरो रेंज अगर देखोगे तो 43,900 एंड 44,100 में छोटा छोटा कुछ हम बना सकते हैं, लेकिन दैट आर नॉन रिलायबल बिकॉज बैंक निफ्टी इज टू वॉलेटाइल टू हैंडल। तो आपका यहाँ पे एक रफ 44,100 कॉल एंड 43,900 को, लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड 44,200 कॉल एंड 43,900 का आपको 43,800 का पुट को आप लाइक करने का प्रयास कर सकते। अभी आते हैं ओपन इंटरेस्ट पे। ओपन इंटरेस्ट पे आपका जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि 44,000 में पुट राइटर बहुत ज्यादा है, 1.08 ईयर अगेंस्ट 77.8 लैक्स ऑन कॉल राइटर। दैट बीइंग द केस हमें 900 एंड 800 में पुट राइटिंग बिल्डअप कर सकते हैं एंड 200 एंड 300 में हम कॉल राइटिंग बिल्डअप कर सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है 800 ऑन द लोअर साइड एंड 200 ऑन द हायर साइड के रेंज में ये फिक्सिंग मींस आज का एक्सपायरी रहना चाहिए। यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका विक्स, आपका जो विक्स डेली विक्स है आपका 12.18। तो ज्यादा ट्रेंडेड डायरेक्शंस का एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे है नहीं, तो ऑप्शन राइटर्स के लिए स्पेशली ऑन द एक्सपायरी डे में काफी बढ़िया है। अब अगर मेरे को पर्सनली पूछोगे आज के एक्सपायरी में निफ्टी करना है या बैंक निफ्टी करना है, मॉनेटरी टर्म्स में नो डाउट बैंक निफ्टी में ज्यादा पैसा है लेकिन वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा है। दैट बीइंग द केस आई वांट टू मास्टर निफ्टी पार्ट, निफ्टी में मैं मास्टरी करना चाहता हूँ, वहां पे वॉलेटिलिटी कंपैरेटिवली कम है इन कंपैरिजन टू आपका बैंक निफ्टी काफी कम है। तो यहाँ पे जो हमारा 650 ऑन द हायर साइड कॉल राइटिंग के लिए एंड 500 ऑन द लोअर साइड पुट राइटिंग के लिए, ये हमारा एक मोटा मोटा रेंज बना चुका है। और हम यहाँ पे जो कर रहे हैं आपका 500 का पुट राइटिंग एंड 650 का कॉल राइटिंग। ये 500 का जो पुट राइटिंग मैंने ओवरनाइट में करके गया था, 500 पुट राइट किया अगेंस्ट उसके हेज में 18,400 का कॉल पुट को बाई किया था, जिसमें ज्यादा खास कुछ है नहीं, 800 रुपीज है। हालांकि नेट डिफरेंस भी ज्यादा कुछ नहीं है, 6 रुपया 7 रुपया का ही नेट डिफरेंस था। एंड अभी आज ड्यूरिंग द डे मैंने 650 के
कॉल को शॉर्ट किया यहाँ पे, और दूसरा अकाउंट पे मैंने क्या किया, मैंने फिर 500 को शॉर्ट किया, सॉरी 550 को मैंने शॉर्ट किया, 550 को शॉर्ट किया 500 क्वांटिटी, दैट मीन्स 10 लॉस यहाँ। तो देखते हैं हाउ द थिंग्स आर मूविंग, एंड उस हिसाब से थोड़ा सा ड्यूरिंग द डे और कुछ एनालिसिस हम करेंगे। अभी हुआ है टाइम 12:34, अभी हुआ है टाइम 12:34, निफ्टी काफी सेल ऑफ हो चुका है, 18,523 पे है। हमारा जो एक्सपेक्टेशन था कि 18,500 ऑन द लोअर साइड एंड 18,650 ऑन द हायर साइड, ये हो गया था हमारे एज पर द प्राइस एक्शन। और अगर हम बैंक निफ्टी का देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा सेल ऑफ हो गया था, जहाँ पे हमने 43,800 का एक लोअर बैंड पकड़ा था एंड अब 44,200 ऑन द हायर बैंड। दिस मॉर्निंग अच्छा खासा सेल ऑफ हो रहा है, करंटली 43,851। अभी ओपन इंटरेस्ट का एक बार चार्ट देखने का कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे सर्वर डाउन है। तो दूसरा वाला एक ऐप में देखते हैं ओपन इंटरेस्ट का क्या हाल है। तो यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है 18,600 कॉल का, जो 3 CR के ऊपर आ चुका है, एंड 18,550 में कॉल एंड पुट ऑलमोस्ट बराबर है, नियर बाई है, एंड यहाँ पे 18,500 पे पुट का राइटिंग्स ज्यादा है। अगर हम इसको फिर दोबारा तो बिकॉज ऑफ सम सर्वर इश्यूज मैं जो यहाँ पे आपका ओपन इंटरेस्ट चेक करता हूँ, आपका ये डाउन है पोजीशन पे कंपेयर एट द मोमेंट। सो प्राइस एक्शन के हिसाब से जाते हैं तो ये लेवल पे आपका 43,850 के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेट करने का प्रयास कर रहा है बैंक निफ्टी, एंड निफ्टी जो है आपका 18,522 के वहां से कंसोलिडेट करने का प्रयास कर रहा है। तो आइए देखते हैं हमने क्या क्या पोजीशंस लिया है ड्यूरिंग द डे। ओवरनाइट में मैंने 18,500 का पुट शॉर्ट किया था, एंड उसके अगेंस्ट में मैंने 18,400 का पुट को बाई किया था, जहाँ पे एज ऑफ नाउ ज्यादा कुछ नहीं दे रहा है। एंड उसके बाद मैंने 18,650 का कॉल को शॉर्ट किया था, जहाँ पे छोटा मोटा 3,800 रुपये प्रॉफिट दे रहा है, एंड 18,600 के कॉल को भी शॉर्ट किया था। तो टोटल 10-10-20 लॉस कॉल में शॉर्ट किया था, जिसके अगेंस्ट में 4,400 रुपया दिख रहा है। सो ऑल पुट टुगेदर यहाँ पे 7,200 रुपया है। सो यहाँ पे मैं थोड़े देर के बाद क्या करने वाला हूँ, 650 को क्लोज करके मैं 600 कॉल को राइट करने वाला हूँ। 500 में जो है थोड़ा सा मेरे को प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि क्या ये फिर दोबारा 500 को भी तोड़ के नीचे ना चला जाए, इसके लिए मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि ये अगर 500 के नीचे चला जाएगा इन सच ए केस मेरा PNL में थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाएगा। करेंटली ये जो अकाउंट है यहाँ पे मेरे को 7,100 प्रॉफिट दिख रहा है। दूसरा अकाउंट पे मैंने जो ट्रेड लिया है वहाँ पे क्या क्या ट्रेड चल रहा है आइए देखते हैं। 18,600 के कॉल मैंने 800 क्वांटिटी शॉर्ट किया था, यानी 14 लॉट्स, जिसमें मेरे को 6,700 रुपया मिला है, एंड 18,500 के पुट को मैंने शॉर्ट किया था, जो यहाँ पे मेरे को 3,000 रुपया लॉस दिखा रहा है। एंड उससे पहले भी मैंने कुछ और कुछ ट्रेड्स लिया था, आपका 650 का शॉर्ट किया था, उसको काट करके फिर 600 में आ चुका था, एंड ऑल पुट टुगेदर यहाँ पे 4,000-5,000 के आसपास प्रॉफिट है, 5 और 7, 7-5, 12,000 का अप्रोक्सीमेटली ये है। अभी मेरा पोजीशन यहाँ पे
500 का पुट शॉट एंड 600 का कॉल शॉट है, और इधर में भी मेरा वही है 500 एंड 600, 500 का पुट एंड 600 का कॉल। दैट मीन द केस अगर मेरे को ये निफ्टी इसी रेंज में क्लोज दे देता है 500 एंड 600 के बीच में, इन सच सिनेरियो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा। बैंक निफ्टी मैंने ट्रेड आज किया नहीं है, रीजन बीइंग बैंक निफ्टी कमोडिटी ज्यादा वोलेटाइल रहता है, यहाँ पे मीन्स थोड़ा सा आराम से मूव करने वाला इंस्ट्रूमेंट ही आपको अच्छा मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स करते हैं। तो अभी के लिए 12:40 ये प्रेजेंटेशन से ये थोड़ा सा प्राइस वाइज इसको ऑब्जर्व करने का प्रयास करो, कहीं ये 503 ना चला जाए। एज ऑफ नाउ मेरा जो ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है वो काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, सो आई नीड टू वेट फॉर दैट वन। एंड उसके बाद दूसरा एक चार्ट है जहाँ पे दे रहा है लेकिन इतना मजा मेरे को आता नहीं है, तो यहाँ पे आप देखोगे इसको रिफ्रेश करेंगे तो as of now ऐसा लग रहा है कि आपका 500 और 600 के बीच में क्लोज देना चाहिए। मैं और थोड़ा सा इंतजार करूंगा, अगर थोड़ा सा डाउनवर्ड मोमेंटम आता है तो 600 और 650 का जो मेरा शॉर्ट है सबको क्लोज करके 550 कॉल में मैं चलाऊंगा। 500 वाला पुट मैंने जो शॉर्ट किया वो थोड़ा स्ट्रेस देगा, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन को कैरफुली मॉनिटर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अभी मैं फिर दोबारा रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, फिर थोड़े देर के बाद इसका रिकॉर्डिंग करूंगा और ये बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। अभी ये 1:05 निफ्टी जो लो मारा है आपका 18,515 और इसका ओपन इंटरेस्ट वाला चार्ट देख लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट का जो चार्ट है यहाँ पे है, जहाँ पे 18,550 का कॉल 1.42 करोड़ वर्सेस 0.64 शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। दैट मीन द केस अभी 600 के ऊपर जाना नहीं चाहिए, नीचे की तरफ 500 में अच्छा खासा पोजीशन बिल्डअप है, दैट इज 1.44 शेयर का अगेंस्ट ए कॉल राइटिंग ऑफ 85 लाख ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे 500 में मीन्स लोअर साइड में थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम है इन कंपैरिजन टू द कॉल साइड, दैट इज ऑन द हायर साइड एट 18,600 के ऊपर आज का क्लोजिंग होना नहीं चाहिए, लेकिन 18,500 में थोड़ा सा डाउटफुल है, तो उसके लिए हमें प्राइस एक्शंस रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा। अभी आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी मैं जस्ट ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं इसमें ट्रेड लिया नहीं आज के डेट में, मैंने सिर्फ निफ्टी पे ही पोजीशंस लिया है, उसका भी रीजन मैंने ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ। तो मेरा जो इनिशियल जो एक रेंज वो था 33,800 एंड 44,200 के बीच का, आप बोलोगे सर 500 पॉइंट के रेंज के अंदर में, ग्रेजुअल एक आइडेंटिफाई करना है कि 500 पॉइंट हो या 1000 पॉइंट हो जो भी हो, उसके बाद धीरे धीरे उसको नैरो डाउन करना। यहाँ पे हमने एक रेंज बनाने का कोशिश किया था लेकिन मजा नहीं आ रहा था, 44,100 एंड 43,900 उसको मजा नहीं आ रहा था, एंड उसको लकीली और 900 को तोड़ के नीचे की तरफ आ चुका है। दैट बीइंग द केस अभी क्या है, अभी प्राइस एक्शन अगर हम 5 मिनट में देखेंगे तो यहाँ पे कंसोलिडेट करने का प्रयास कर रहा है ये, अगर आपका 900 के ऊपर 2-3 पॉजिटिव कैंडल्स दे देता है तो आपका बॉटमिंग आउट हो सकता है, इन सच केस नीचे का पुट आप राइट कर सकते हो। अभी हम आते हैं आपका ओपन इंटरेस्ट पे। ओपन इंटरेस्ट पे आपका करेंटली 43,900 का जो कॉल है वो है 86 लाख वर्सेस 61 लाख
44,000 में अच्छा खासा टॉल राइटर्स है, 1.39 अगेंस्ट 45 लैक्स। तो ये 44,000 के ऊपर आज का एक्सपायरी का क्लोजिंग देना नहीं चाहिए। नीचे की तरफ थोड़ा सा बिल्डअप है, लेकिन इतना तगड़ा पुट राइटर्स का है नहीं। सो 43,800 इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दैट इज द सपोर्ट एरिया, फॉलोड बाय 43,700। लेकिन ये 44,000 का जो कॉल राइटर्स है, दे कैन राइट विथ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि प्राइस इसके ऊपर क्लोज नहीं देगा। और आपका निफ्टी का ऑलरेडी हमने देख चुके हैं कि आपका 18,600 के ऊपर क्लोज देना नहीं चाहिए, लेकिन 18,500 में भी अच्छा खासा पुट बिल्डअप है, बट इन कंपैरिजन द कॉल राइटर्स ये कम है, दिस हाफ द क्वांटिटी। यहाँ पे देखिए 1.48 पुट राइटर्स, यहाँ पे 2.85 कॉल राइटर्स, तो ऑलमोस्ट डबल टाइप का कुछ है। तो आपका ये ड्यूरिंग द डे जो डेवलपमेंट्स हो रहा है, अभी आपका निफ्टी जो है नीचे से थोड़ा सा बिल्डअप करने का कोशिश कर रहा है, एंड अभी ये अगर आपका 18,540 के ऊपर क्लोज दे देता है तो 18,500 पुट विल बी सेफ। एज फार एज हमारा पोजीशन एक बार देख लेते हैं, हमारा पोजीशन क्या था पहले 6,600 में 500 क्वांटिटी था 10 लॉट, एंड 650 में 10 लॉट था। मैंने क्या किया, 650 को क्लोज करके पूरा का पूरा शिफ्ट किया 600 पे। तो ये जो है इसमें मेरे को छोटा मोटा एक 3,900 का प्रॉफिट दे रहा है, और 500 में मेरे को एक छोटा सा नेग्लिजिबल प्रॉफिट है। एंड उससे पहले 650 मैंने जो क्लोज किया था उसमें 3,775 रुपये का एक प्रॉफिट मेरे को ऑलरेडी मैं बुक कर चुका हूँ, बाकी वाले पे मैंने अभी तक बुक नहीं किया। जब तक मैं बुक नहीं करूँगा तब तक ये M2M वाला ही है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। अरे यहाँ पे ये जो ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ वो मेरे से कोई ले नहीं सकता। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे तो मेरा वही पे था 600 का कॉल शॉट एंड 500 का पुट शॉट। तो 600 का जो कॉल शॉट है वहाँ पे करीबन 6,700 रुपये का है, एंड आपका 18,500 का जो पुट शॉट है उसमें 3,500 का लॉस है। ऑल पुट टुगेदर इट इज करीबन 4,500 रुपये का है। और अगर ये 500 एंड 600 के बीच में ही क्लोज दे देता है आई विल बी द मैक्सिमम बेनिफिशियरी। लेकिन हाँ, मैं एग्जैक्टली 3 बजे इसको क्लोज कर दूंगा, इन बिटवीन अगर कुछ वॉलेटाइल मूव नहीं आता है तो। अपने प्लान के हिसाब से अगर प्राइस एक्शन मूव होता रहता है तो एक्चुअली सॉरी इसका स्क्रीन हुआ नहीं है, तो यहाँ पे अभी मैं स्क्रीन को रिकॉर्ड कर नहीं पा रहा था। यहाँ पे देखिए 5 मिनट में क्या था, 18,515 से बॉटम आउट करके ऊपर गया। अभी यहाँ पे अगर ये हायर जो फॉर्मेशन करता है एंड थोड़े टाइम के बाद अगर 18,545 के ऊपर एक दो कैंडल क्लोज दे देता है देन 18,500 विल बी सेफ। इधर आप यहाँ पे आप देखोगे तो आपका 18,600 में मैक्सिमम कॉल राइटर्स है 2.84 एंड पुट राइटर यहाँ पे 1.5 करीबन है एट 18,500। सो ऑलमोस्ट ऐसा लगे 600 तो सील्ड है, इसके ऊपर जाना नहीं चाहिए टू द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। लेकिन ये थोड़ा सा डाइसी है 18,500, क्योंकि अगर ये जाता भी है तो नीचे की तरफ 450-400 के नीचे तो जाएगा ही। सो एज ऑफ नाउ आई एम प्लेइंग इन बिटवीन 500 एंड 600 के बीच, इसलिए 500 के कॉल को शॉर्ट किया एंड 600 के 500 के पुट को शॉर्ट किया एंड 600 के कॉल को शॉर्ट किया। और बैंक निफ्टी में एक बार देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में अगर आप ओपन इंटरेस्ट को देखोगे तो आप देखो करेंटली 43,900 में बिल्डअप हो रहा है, उसके राइट में 44,000 में मैक्सिमम कॉल राइटर्स है 1.4 लैक्स। तो 44,000 के ऊपर जाना नहीं चाहिए अगर कोई सरप्राइजेस न्यूज इवेंट कोई ना आए। लेकिन लोअर साइड में आपका
43,800 में 69 lakhs put letter है against 42 lakhs call letters. तो ये वाला 43,800 थोड़ा सा मीन्स 50-50 टाइप का है, लेकिन 44,000 के कॉल इज मीन्स ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर जाएगा ही. तो इसके ऊपर का कॉल आप 44,000 का कॉल आप शॉर्ट करके थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करने का कोशिश कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं जो अपना PNL दिखा रहा था, यहाँ पे आप देखोगे पहले मेरा 650 का एंड 600 का कॉल राइट था. मैंने 600 को क्लोज करके 650 को क्लोज करके 600 में शिफ्ट किया था. सो पहले 500 था, अभी 1000 हो गया, जहाँ पे ये छोटा सा 4,400 रुपये एज ऑफ नाउ M2M है. और 500 का पुट में हल्का सा लॉसेस है. और यहाँ पे आप देखोगे कि 600 का कॉल एंड 500 के पुट, 600 के कॉल में करीबन 6,800 रुपया है और 500 के पुट में मेरे को जा रहा है 3,800 रुपया. तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, अगर ये 550 के आसपास क्लोज दे देता है, आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, क्योंकि मेरे को एंटायर प्रीमियम खाने को मिल जाएगा. अभी इसके लो के नीचे मेरा थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा, मीन्स आई नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड आई नीड टू मॉनिटर द पुट साइड. एज ऑफ नाउ कॉल साइड को मेरे को मॉनिटर करने का जरूरत नहीं है. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को ये लग रहा था कि 550 का 18,550 का कॉल को हम शिफ्ट कर सकते हैं. यहाँ पे मैं एक बार सोच रहा था कि 550 कॉल को मैं शॉर्ट करूँ बाय स्क्वायरिंग आपका 18,600, लेकिन थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लग रहा है. आई डोंट वांट टू टेक दैट मच रिस्क, दैट इज व्हाई मैंने वहां पे शिफ्ट नहीं किया है. तो अभी मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा 18,500 थोड़ा सा रिस्की लग रहा है मेरे को, बट मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ. प्लस RSI चार्ट्स में भी देखिए 15 मिनट बिलो 40 है, 5 मिनट भी बिलो 40 है. एक ही ये है आवरली एट 40 में आ रहा है, तो शायद ये सपोर्ट कर ले, बट आई नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द पोजिशन दैट इज 18,500 पुट का जो पोजिशन है, इसको मैं केयरफुली मॉनिटर कर रहा हूँ. अभी फिर मैं पॉज करता हूँ, फिर दोबारा आऊंगा. अभी टाइम हुआ है 2:15 है, 13:46. यहाँ पे देखिए एक लो फिर दोबारा मारा है, ये आपका 09 है. उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करने का कोशिश कर रहा है. ये जब 09 तक मारा था इसके लो के नीचे, तो मैंने क्या किया था, एक बार मैंने 500 को एग्जिट कर लिया था, 500 पुट को मैंने बाई कर लिया था 17.45. उसके बाद जैसे ही ये दोबारा ऊपर से कंसोलिडेट करने का प्रयास कर रहा है, तो मैं दोबारा इनिशिएट कर लिया एट 30. सो यहाँ पे मेरे को करीबन 4.5 रुपये का एक लॉस हुआ है. यहाँ पे ये 300 क्वांटिटीज है और यहाँ पे आपका 800 क्वांटिटीज. एक बार एग्जिट किया फिर रीएंटर किया, तो यहाँ पे आप मेरा करंट M2M जो देखोगे 7200 है, 500 पुट शॉर्ट एंड 600 कॉल शॉर्ट. 500 में मेरा पोजीशन कम है, 300 क्वांटिटीज है एंड 600 कॉल पे मेरा पोजीशन ज्यादा प्रेशर्स नहीं होगा ऊपर जाने का, अब ज्यादा प्रेशर्स नहीं होगा. दिस इज द रीजन मैंने कॉल साइड में ज्यादा शॉर्ट किया है. यहाँ पर भी आप देखोगे मेरा पुट जो है ये पुट 500 क्वांटिटीज का है और इस कॉल जो है 800 क्वांटिटी. मेन रीजन वही है, मार्केट थोड़ा सा डाउनवर्ड बायस है, इसीलिए मैं अकॉर्डिंग टू द बायस मैं पोजीशन को मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे करने का प्रयास करता हूँ. इसमें मेरे को अभी एज ऑफ नाउ 3,800 आफ्टर लूजिंग दैट 4.5 on 800 यहाँ पे एंड 4.5 on 300 क्वांटिटी. तो एज ऑफ नाउ जो प्राइस है फिर दोबारा 18,515 है. तो इसका ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो आपका 550 कॉल में आपका देर 1.5 CR का कॉल राइटर्स है अगेंस्ट 60 lakhs, और यहाँ पे जो है सिमिलरली 1.54 CR का पुट राइटर्स है अगेंस्ट 97 lakhs कॉल राइटर.
That being the case, there are higher probabilities कि ये 18,500 एंड 18,550 के बीच में क्लोज देना चाहिए, बट इन द मीडियम हम प्राइस को मॉनिटर करने का कोशिश करेंगे. यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी का भी अगर देखेंगे तो सिमिलरली बैंक निफ्टी का जो है, अब देखो बैंक निफ्टी का तो यहाँ पे आप देखोगे कि 600 सील था, अभी 550. तो यहाँ पे आप देखोगे कि 44,000 का कॉल वाज ऑन द सेफर साइड, ये इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए. अभी क्या है, 900 में कॉल रेटर्स आर मूव, इट्स ऑलमोस्ट वन ईयर 98.6 लाख अगेंस्ट 60 लाख. दैट इन द केस प्राइस देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज 43,900 के नीचे ही क्लोज देना चाहिए. ऑन द पुट साइड 43,800 में 81 लाख का बिल्डअप है. एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है कि 800 और 900 के बीच में ही ये क्लोज देना चाहिए. तो प्राइस थोड़ा सा देख लेते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन, मींस मेरे हिसाब से जो है मैं वो दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ. तो एज ऑफ नाउ जैसे लग रहा है कि 44,000 के ऊपर 43,900 अभी आ गया, जो 44,000 पहले था एज पर ओपन इंटरेस्ट. ओपन इंटरेस्ट आपका यहाँ पे था, उसके बाद ये आपका नीचे आ चुका है 43,900 में, यहाँ पे आ चुका है. एंड नीचे की तरफ 800 में हल्का सा सपोर्ट है एंड थोड़ा सा ये डर लग रहा है कि फिर 800 के नीचे होना है, चला जाता है. इन सच केस अगर किसी को पोजीशन बिल्डअप करना है, कॉन्फिडेंस अगर लोअर साइड में है, प्राइस लोअर साइड का जाने का, तो कॉल को शॉर्ट कीजिए. और अगर आपको लगता है कि प्राइस ऊपर के जाने का है तो पुट को शॉर्ट कीजिए आपके ऑफर के हिसाब से. तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ मेरे को फिर दोबारा पेन दे रहा है ये आपका 18,500, थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा. अगेन आई विल गेट बैक. करेंटली निफ्टी अभी है 18,502 एंड इसका जो ओपन इंटरेस्ट है वो करेंटली 18,500 में कर रहे हैं, जहाँ पे पुट रेटर 1.3 1.51 होता है एंड कॉम्बिनेटर होता है. तो यहाँ पे 500 में एक प्रोसेस हो रहा है, मींस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि ये मींस काफी चैलेंजिंग हो रहा है 18,500 वाला. तो दैट इज द डिसाइडिंग फैक्टर एज फार एज माय पोजीशन इज कंसर्न्ड. करेक्टली मेरा जो पोजीशन है यहाँ पे देखिए, मैंने 18,600 को कैंसिल करके रोल ओवर कर दिया 18,550 में एंड 18,500 का मेरा ये छोटा क्वांटिटी चल रहा है इन कंपैरिजन टू द ऑलरेडी. सो एज ऑफ नाउ इट इज द एंगल, वेयर इज यहाँ पे मेरा यहाँ पर भी वही है 18,550 वर्सेस 18,500. आई विल बी द मैक्सिमम गेनर इफ ये आपका 18,500 एंड 550 के बीच में ही अगर क्लोज दे देता है तो मेरा मैक्सिमम गेन यहाँ पे रहेगा. मैक्सिमम गेन मींस द प्रॉफिट बाय राइटिंग विल बी ऑन द मैक्सिमम साइड. करेंटली इट इज 8 and 6, 14,000 है जो ऑलमोस्ट मेरा 1% का जो टारगेट है वहाँ पे. अभी मैं थोड़ा सा और मॉनिटर कर रहा हूँ. Whatever I am assuming कि क्लोजिंग ये आपका 18,500 एंड 550 के बीच में होगा. 550 बोले तो आपका 550 का रेंज. और नीचे का ये हो गया आपका 500. So, इसी रेंज के अंदर में आई विल बी वेरी हैप्पी इफ बाय 3 o'clock ये 18,520 एंड 30 के बीच में ये रह जाए तो मेरे को मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा बिकॉज आई विल एग्जिट बाय 3 o'clock.
है फ्रेंड्स, निफ्टी अभी है आपका 18,516, टाइम है 2:26 एंड मेरा पीएनएल स्टेटस क्या है, इधर आपका 11,800 एंड इधर मेरा 10,000, सो टोटल 21,000 का एज ऑफ नाउ पीएनएल। और भी काफी जूस बाकी है, इसीलिए मैं थोड़ा सा आज रन करने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये 3 बजे तक 500 and 550 के बीच में रह जाता है, preferably in between 18,520 and 30 के आसपास अगर रह जाता है, तो मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है। मीन्स यहाँ पे ये जो अभी 21,000 का PNL है, शायद ये टोटल 35,000 or 40,000 भी जा सकता है। तो दिस इज द रीजन मैं इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ। एंड एज फार एज द ओपन इंटरेस्ट इज कंसर्न्ड, आप देखोगे ये आपका जो पुट राइटर से फिर बढ़ गया कहाँ पे 18,500 पे एंड 550 में कॉल राइटर्स इंटैक्ट है। दैट इन द केस देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि ये 500 एंड 550 के बीच में ही क्लोज हो। एंड इन सच ए केस मेरा जो पीएनएल हो सकता है वो आपका 30+, 35+ एंड मैक्सिमम जो पीएनएल है करीबन 39,000 or 40,000 हो सकता है। आज थोड़ा सा पंगा लेने का मन कर रहा है, इसीलिए 21,000 प्रॉफिट में भी मैं इसको वो नहीं कर रहा हूँ। लेट्स सी हाउ इट इज बिहेविंग। Thank you.
Thank you.
महेश, नहीं है महेश, नहीं है अभी देखिए, ये आपका 500 ब्रेक करने के बाद भयंकर नीचे आ चुका है। टेलिंग द केस मेरा जो पीएनएल है मैक्सिमम हो गया है, जो आपका करीब 21,000 था एंड आई वाज लुकिंग फॉर आपका 30,000 और 35,000। उसका मेन रीजन था कि आई वाज एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू क्लोज इन बिटवीन 500 एंड 500, लेकिन वो हुआ नहीं है, उल्टा डायरेक्शन में चला गया है। तो उसके बाद मैंने ये जो 18,500 का उसमें मेरा का मैक्सिमम लॉस बुक हुआ है 7,200। देन देयर आफ्टर मैंने क्या किया, 550 का जो कॉल था उसको स्क्वायर कर दिया एंड स्क्वायर करके फिर मैं 18,500 के कॉल को शॉर्ट कर दिया उनके छोटा प्रीमियम ऑफ 500। सो लेट्स सी हाउ निफ्टी में अच्छा खासा सेल आउट देखा गया है। करेंटली 18,419 पे है। हमारा जो एक्सपेक्टेशंस था कि 500 ऑन द लोअर साइड एंड 650 ऑन द हायर साइड, उसके नीचे चला गया है। तो यहाँ पे काफी फायर फाइटिंग करना पड़ रहा है। फायर फाइटिंग इन द सेंस
पहले आपको मेरा क्या था, 650 का कॉल शॉर्ट था, फिर मैंने 600 का कॉल को शॉर्ट किया, फिर उसको स्पाइक कर दिया, 550 का कॉल को शॉर्ट किया, एंड अभी मैंने लास्ट जो 500 को शॉर्ट किया। मैं एक्चुअली ये 450 को भी सोच रहा था कि शॉर्ट करूँ या ना करूँ, और 18,500 का जो पी है उसमें मैंने लॉस बुक कर दिया। दैट इन द केस यहाँ पे ऑल पुट टुगेदर 15,000 यहाँ पे है, और यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा 10,000 का प्रॉफिट एंट्रम था, वो अभी पूरा धुल गया है, 700 रुपया ही है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ और मलाई है नहीं, जस्ट 18,500 में और 1,000 रुपया बाकी होगा। तो यही है कि डायरेक्शनल जब लेता है, अब देखो कि मैं पहले से ही सिंस मॉर्निंग मेरा कॉल राइटिंग ज्यादा क्वांटिटी था, पुट राइटिंग कम क्वांटिटी था, तो एक मींस हिडन एक परसेप्शन था कि मार्केट बायस थोड़ा सा नीचे की तरफ ही, एंड लेकिन इतना नीचे आएगा वो मेरे को पता नहीं था, बिकॉज आई एम राइटिंग ऑप्शन, सो मेरे को एक स्पेशली ऑन द एक्सपायरी डेट में मेरे को रेंज पकड़ना है। आज मैंने ऊपर का रेंज को तो पक्का पकड़ लिया, लेकिन नीचे के रेंज को मैं पकड़ नहीं पाया। दिस वाज द रीजन कि क्या हुआ, मेरा ये जो 500 का पुट को मैंने 18,500 का जो पुट था उसमें मेरे को मैक्सिमम लॉसेस बुक करना पड़ा। एक जगह पे मेरे को लॉसेस जो बुक करना पड़ा वो है 7,200 रुपया, एंड दूसरे जगह पे मेरे को जो बुक करना पड़ा 17,500 पे। यहाँ पे देखिए मेरे को 16,000 करीबन 15,750 लॉस बुक करना पड़ा, यानी ये ओवरऑल प्रोसेस में मेरे को करीबन 22,000 प्लस लॉसेस बुक करना पड़ा ऑन 18,500। एस्पाइट देख मेरा जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे 2,500 है और यहाँ पे करीब 16,000, दैट मींस आपका करीबन 18,000 यहाँ पर भी है। ये फायर फाइटिंग बहुत ही जरूरी है, फायर फाइटिंग मीन्स जैसे जैसे ये रेंज चेंज होता रहता है आपको उसी हिसाब से उसको दूर वाला जो राइटिंग है ऑप्शन उसको क्लोज करके नजदीक वाले पे आपको राइटिंग करना पड़ता है। तो अभी देखिए कि आपका जो ऑप्शन है ये 400 में ज्यादा ये है, 500 450 पे आपका ये है कॉल राइटिंग ज्यादा है, एंड 400 पे पुट राइटर्स ज्यादा है। दैट इज द केस, अभी मैं 450 को अगर शॉर्ट करता हूँ तो मेरे को 7 रुपया मिलने का चांसेस है, अभी भी है। अभी मैं मार्जिन मेरा कितना अवेलेबल है वो मैं देख लेता हूँ, मेरा ज्यादा मार्जिन अवेलेबल है नहीं तो मैं यहाँ पे कर नहीं पाऊंगा, सो आई एम नॉट राइटिंग दिस 450। नहीं तो यहाँ पे मैं इसको स्क्वायर करके 500 सी को स्क्वायर करके 450 कॉल को राइट कर सकता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर शार्प अपमूव देता है तो मेरा पूरा का पूरा धुल जाए यहाँ पे। और एक प्राइस सेक्शन 5 मिनट में है कि यहाँ पे बहुत ही शार्प मूवमेंट आ सकता है इस लेवल पे, 446 के ऊपर एक हमें ऊपर का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज पर द प्योर प्राइस सेक्शन। दैट बीइंग द केस यहाँ पे ज्यादा और कुछ जूस बाकी नहीं, यहाँ पे और 2,000 बाकी है मेरा, तो मैं ये कहता हूँ आपका ये 400 ई को कर देता हूँ। मैं इसको रखा था कि अगर 300 के तरफ जाएगा तो मेरे को यहाँ पे स्टॉप पॉइंट मिल जाएगा, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अभी यहाँ पे ये है, यहाँ पे अभी भी मेरे को 2,000 रुपया मिलने का प्रोबेबिलिटीज है, और इसमें मैं क्या करता हूँ मेरा जो 300 पी बाई किया था उसको मैं क्लोज कर देता हूँ, एंड अभी मेरा 500 का पुट शॉर्ट है, जहाँ पे यहाँ पे 800 क्वांटिटी है और यहाँ पे 1,000 क्वांटिटी है, यानी 1,800 क्वांटिटी है, यहाँ पे 1,500 भी हो गया 1,800 क्वांटिटीज में, करीब 2,700 रुपीज का और मेरे को मिलने वाला है, सब्जेक्ट टू ये 500 के ऊपर क्लोज ना दे। अभी आपका टाइम है 3:06 है, एंड जो क्लोजिंग दे रहा है वो आपका 18,450 के नीचे। तो अपना जो रेंज का आइडेंटिफिकेशन था 18,500 का
शॉर्ट करना एंड 18650 का कॉल को शॉर्ट करना, उसके अंदर में ही रहेगा तो मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। उसमें क्या हुआ, हमें एक साइड में तो सही था, यानी ऑल साइड में तो बिल्कुल सही था, लेकिन पुट साइड में बिल्कुल गलत था हमारा आज का एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्क एक्सपेक्टेशंस। एंड उसके लिए हमने जो पुट राइटिंग किया वहां पे करीबन हमारे 21-22 हजार रुपए का लॉसेस हमने बुक किया। डिस्पाइट दैट हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे आपका 14,500 है और यहाँ पे आपका 3,300, 14,300, 1,700, सो करीबन 18,000 के आसपास का प्रॉफिट है। डिस्पाइट वी आर रॉन्ग ऑन द पुट साइड। इसका कारण क्या है, क्योंकि हमने रेगुलर बेसिस में अपना जो स्ट्राइक प्राइस है, आप देखोगे पहले मेरा 650 का कॉल का शॉर्ट था, फिर 600 का कॉल का शॉर्ट था, फिर 5,500 का कॉल का शॉर्ट था, अभी हमने 500 का कॉल को शॉर्ट किया है। दैट बीइंग द केस, अभी मैं पूरा का पूरा पोजीशंस को क्लोज कर रहा हूं यहाँ पे। सो यहाँ पे पोजीशन क्लोज करने के बाद 14,555 मेरा एक अकाउंट में हो गया, और इस अकाउंट में भी मैं पहले सेल को क्लोज करता हूँ, फिर मैं पुट को जो बाई को स्क्वायर करता हूँ, तो उसको करने के बाद मेरे को 3,287 रुपये मिले, यानी 3,200 और 14,500, 17,700 रुपये का मेरे को यहाँ पे नेट प्रॉफिट मिला, विच इज slightly higher than मेरा 1% का टारगेट। हाँ, यहाँ पे अगर ये आपका 550 एंड 500 के बीच में क्लोज दे देता तो मेरा ये जो प्रॉफिट होता तो करीबन 30,000 से 40,000 भी हो सकता था, लेकिन इस स्ट्रेटेजी में डिस्पाइट बीइंग आई एम रॉन्ग मींस ऑन वन साइड, फिर भी यहाँ पे बाय वे ऑफ राइटिंग द ऑप्शन राइटिंग, बाय यूजिंग द ऑप्शन राइटिंग स्ट्रेटेजी आई कुड क्लोज द डे विथ 17,700 प्रॉफिट। सो ये प्रेजेंटेशन आपको यही दिखाने के लिए प्रयास है कि कैसे आप ऐसा बना सकते हो। थैंक यू, एंड आज के लिए ये लंबा वीडियो हो चुका है, ये देखने के लिए बहुत बहुत